बरेली में एक कलयोगी मां ने अपनी ही 2.5 साल की बच्ची की जान ले ली है। आरोप है कि हैवान मां ने अपनी लड़की को छत से फेंक दिया, उसके बाद इसे हादसा बताकर लड़की के शव को दफन भी कर दिया, क्योंकि बच्ची अपने पिता को अपनी मां की दूसरे आदमी से बात करने का सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती। बरेली से एक कलयुगी माँ की हैवानियत सामने आई है, जहाँ अपनी करतूत को छिपाने के लिए उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को छत से फेंक दिया। लड़की की मौत हो जाने के बाद माँ ने हादसा बताकर लड़की के शव को दफन करवा दिया, लेकिन लड़की के पिता को माँ पर शक हुआ। इसके बाद पति के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें असल सच सामने आया कि लड़की का छत से गिरना कोई हादसा नहीं था। पति ने आरोप लगाया कि उसकी बीवी के किसी अन्य आदमी से संबंध है, जिससे वह अक्सर फोन पर बात करती थी, साथ ही वह अक्सर उससे मिलती थी। उसकी बेटी काफी तेज थी और वह मां पर नजर रखकर पिता को इशारों में बता देती थी। इसी से परेशान होकर महिला ने अपनी लड़की को 21 नवंबर को छत से फेंक दिया और लड़की की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। सुबह मैं काम पे गया था, तो मैं काम पे था उस टाइम, जब मेरे घर में फ़ोन आया दोपहर में 12:38 पे, बोले आपकी बच्ची गिर गई छत से। मैं पहुंचा हूँ पे, उनसे फिर हॉस्पिटल रास्ते में मिली, लिए भी तो हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद में तो बच्ची हॉस्पिटल ले गए, तो हूँ पे जैसे जाने के बाद थोड़ी बहुत देर सही रही, फिर ख़त्म हो गई। पहुँचते हैं घर लेके, हम घर लेके पहुँचे तो उनकी मिट्टी के लिए फिर इन्हें जे आई थी सांझ के टाइम पे, आने के बाद मिट्टी होने के बाद तुरंत चली गई। महिला के पति को सीसीटीवी फुटेज मिला है। सीसीटीवी में लड़की छत से गिरती हुई दिखाई दे रही है। लड़की के पिता ने अपनी पत्नी पर हत्या करने और सबूत मिटाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने बताया थाना सीबीगंज के अंतर्गत तहरीर आई है, एक व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी द्वारा 2.5 साल के बच्चे को छत से फेंक दिया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई, इसमें हत्या की तहरीर आई है। इसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें जो आरोपी महिला है उसको हिरासत में लिया गया, साथ ही महिला से पूछताछ की जा रही है। बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए, थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक तहरीर आई है एक व्यक्ति के द्वारा कि उसकी पत्नी द्वारा एक 2.5 साल के बच्चे को छत से फेंक दिया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई, इसमें हत्या की तहरीर आई है। और जो तहरीर आई उसके अनुसार एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 581/24 थाना सीबीगंज में। इसमें जो आरोपी महिला है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है अभी तक, क्या निकल गया है? अभी उस महिला से पूछताछ की जा रही है और जैसे ही कुछ ठोस इसमें निकल के आएगा आपको सूचित किया जाएगा। क्या बच्ची के डेड बॉडी को कब्र से निकलवा के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया अभी होनी है और इसमें जो भी पेपर वर्क है वो किया जा रहा है और जो बच्ची का शव है उसको बाहर निकाल के उसका पीएम कराया जाएगा। बच्ची के पिता ने बताया, मैं सुबह काम पर गया था जब मेरे पास फोन आया दोपहर में कि आपकी बच्ची गिर गई, तो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया, फिर उसको दफन कर दिया गया। उसके बाद मेरी बीवी मैके चली गई, तब मुझे उस पर शक हुआ। फिर घर आने के बाद मुझे एक सीसीटीवी मिला जिसमें घटना रिकॉर्ड हो गई, देखा तो पता चला कि बच्ची को फेंका है, तो मैंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने एक्शन लिया और मेरी बीवी को पुलिस ने पकड़ लिया। मेरी बीवी किसी अन्य पुरुष से फोन पर बात करती थी, जिसका बच्ची को शक था। सी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।